गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर लर्निंग सृष्टि हिंदी पाठमाला कक्षा 3 पेज नंबर 15। आज हमारा लेसन नंबर 3 है और उस हमारे लेसन का नाम क्या है, हम और हमारा भोजन। यह कहना सार्थक होगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। सार्थक मतलब उपयोगी, सही होगा कि यह कहना उपयोगी होगा कि सार्थक होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। मस्तिष्क मतलब हमारा सिर, हमारा हेड। ओके, क्या कहा गया है कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, हमें अच्छे अच्छे आइडिया आएंगे। जीवन का पूरा आनंद हम तभी ले पाते हैं जब हम स्वस्थ होते हैं। स्वस्थ मीन्स हम तंदुरुस्त होते, फिट होते। स्वस्थ रहने के लिए कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन, व्यायाम मीन्स कसरत, स्वच्छता, विश्राम और मनोरंजन की अति आवश्यकता मीन्स बहुत ज़रूरत होती है। किसके लिए? इसके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन, फिर व्यायाम जो हम एक्सरसाइज करते हैं, फिर स्वच्छता, साफ सफाई, विश्राम, हम कहाँ आराम करते हैं, मनोरंजन, हम क्या देखते हैं, उसकी अति आवश्यकता होती है। आज हम कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में बातचीत करेंगे जो स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी। खाद्य पदार्थ मीन्स खाने के जो पदार्थ होते हैं, खाने की जो चीज़ें होती हैं, उसके बारे में क्या करेंगे हम बातचीत करेंगे जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। कहा जाता है क्या कहा गया है? कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। क्या कहता है? जैसा हम अनाज खाएंगे वैसा हमारा मन बनेगा। जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन बन जाता है। जो अन्न हम खाते हैं वही पचकर हमारे शरीर को शक्ति देता है और हमें स्वस्थ बनाता है। जैसे मशीन को चलाने के लिए तेल की ज़रूरत होती है, वैसे ही मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे कि मशीन बिगड़ जाती है, मशीन चलती नहीं, इसमें जंग लग जाता है, तो हम उसमें तेल डालते हैं, तो तेल डालने से वो चल जाती है। वैसे ही मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है, उसकी ज़रूरत होती है। अगर मनुष्य को भोजन ना मिले तो वो कैसा महसूस करता है? वीक महसूस करता है, और उसकी वजह से वो काम भी नहीं कर पाता और उसका दिमाग भी थका थका लगता है। हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी पौष्टिक तत्व हो। इन तत्वों से हमारा शरीर हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहता है। वो क्या कहा गया है कि हमेशा आहार लेना चाहिए जिसमें पौष्टिक तत्व, मतलब सभी पौष्टिक तत्व हो, सभी विटामिन, प्रोटीन, कार्बोदित सभी तत्व हो, और इन तत्वों से हमारा शरीर कैसा है? स्वस्थ रहता है। शरीर में हड्डियों के ऊपर चर्बी, रक्त और मांस होते हैं। क्या कहते हैं कि शरीर में हड्डी के ऊपर चर्बी और रक्त मीन्स खून और मांस मतलब गोश्त होता है। भोजन में इनको पैदा करने वाले सभी तत्व होने चाहिए। किस चीज़ को? चर्बी, रक्त और मांस। क्या कहा गया? हमारे खाने में होता है और शरीर में हड्डियों के ऊपर भी वो होते हैं, और भोजन में इनको पैदा करने वाले सभी तत्व होने चाहिए। अच्छे भोजन में ये सभी तत्व पाए जाते हैं। हमें भोजन में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्वों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे भोजन में वे सभी गुण होने चाहिए जिससे हड्डियों को ताकत मिले तथा शरीर में अधिक रक्त बने। शरीर में अधिक रक्त मीन्स अधिक खून बने, ज़्यादा खून बने, कोई रोग भी न होने पाए और हम निरोग रहकर स्फूर्ति का अनुभव करें। स्फूर्ति मीन्स एकदम तंदुरुस्त, फिट एंड फाइन, निरोग मतलब कोई भी रोग हमें न हो ऐसा हम अनुभव करें, ऐसा हम फील करें। आज हम अनजाने में ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं जिसमें पौष्टिक तत्व नहीं होते। क्या कहते हैं? आजकल हम अनजाने मतलब बिना जाने हमें उसका नॉलेज ही नहीं होता कि हम खाद्य कौन से खाने के पदार्थ का सेवन, कौन से खाने का पदार्थ ले रहे हैं जिसमें क्या नहीं होते, पौष्टिक तत्व नहीं होते, जैसे जंक फूड, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर एक्सेट्रा। ये तत्व हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, मतलब नुकसानकारक होते हैं। पौष्टिक भोजन में 6 तत्वों का होना ज़रूरी है। कौन से 6 तत्व? देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल।
ये छह पदार्थ क्या होना चाहिए हमारे आहार में होने चाहिए, तो हमारा आहार कैसा होता है, पौष्टिक। कुछ पदार्थ तो ऐसे होते हैं जिनमें अधिक से अधिक तत्व होते हैं। हम जो कुछ भी खाने योग्य पदार्थ खाते हैं उन सब में कोई ना कोई गुण होता है, जैसे कि दही दूध पौष्टिक भोजन माना जाता है। दूध में ये सभी गुण पाए जाते हैं, प्रोटीन के विकास और टूट फूट की मरम्मत करता है। क्या करता है दूध, प्रोटीन क्या करता है, शरीर के विकास और दूध और टूट फूट की मरम्मत करता है। मतलब जो हमें चोट लग जाती है, जो हमें घाव लग जाता है, अगर हम दूध पिए, हल्दी वाला भी दूध अगर हम पिए, तो हमारी शरीर की क्या हो जाती है, मरम्मत, मतलब अच्छा हो जाता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है, इससे एक प्रकार की गर्मी भी प्राप्त होती है। अधिक मात्रा में वसा खाने से यह शरीर में जमा हो जाती है। जब शरीर में वसा की कमी हो जाती है तो यह जमा हुई वसा हमें शक्ति प्रदान करती है, शक्ति देती है। विटामिन ए की कमी से आँखों के कमज़ोर हो जाती है। यह दूध मक्खन गाजर और हरी सब्जियों में पाया जाता है, कौन, विटामिन ए। विटामिन बी गेहूँ जौ चावल आदि में पाया जाता है, यह भोजन के पाचन में सहायता करता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे कि विटामिन सी हमें कमी से मिलता है। संतरा नींबू आंवला आदि खट्टे फलों में से विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत रखता है, कौन सा विटामिन, विटामिन डी हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत रखता है। खनिज लवण हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक है, मतलब बहुत ज़रूरी है। आयोडीन हमें नमक से मिलता है। लोहा हरे पत्ते वाली सब्जियों से मिलता है, लोहा मीन्स मैग्नीशियम हमें कहाँ से मिलता है, हरे पत्ते वाली, जैसे कि मेथी हो गई, पालक की भाजी हो गई, इसमें से हमें मिलता है। यह हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक है, मतलब खूब ज़रूरी है। विभिन्न प्रकार के विटामिन युक्त भोजन ग्रहण करने से शरीर को रोग नहीं लगते, क्योंकि हमें जो जो विटामिन की ज़रूरत होती है, अगर वो सब विटामिन हमारे शरीर में आ जाए तो हमें रोग नहीं लगते, मीन्स हम बीमार नहीं पड़ते। अलग अलग तरह के फल और सब्जियां खाने से हमें रोज़ नए नए पौष्टिक तत्व मिलते हैं, इनसे रोगों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, मीन्स मर जाते हैं। जल से शरीर की सफाई होती है, जल अधिक मात्रा में पीना चाहिए। जब बच्चों हमें जल क्या चाहिए, अधिक मात्रा में, तो ज़्यादा क्वांटिटी में पीना चाहिए। जल पीने से ही आधे क्या हो जाते हैं, रोग नष्ट हो जाते हैं, और जल हमारे शरीर की सफाई भी करता है। ये पौष्टिक तत्व दूध फलों तथा सब्जियों में पाए जाते हैं, इनका अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए, मीन्स अधिक से अधिक इनका उपयोग करना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमें ज़्यादा मिर्च मसालों वाला तला भुना भोजन नहीं करना चाहिए। कटे हुए फलों तथा सब्जियों को ढककर रखना चाहिए। भोजन पर मक्खी मच्छर इत्यादि को नहीं बैठने देना चाहिए। किस हमारे भोजन को कैसे रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए, जिस पे क्या ना बैठे, मक्खी मच्छर ना बैठे। गंदा बासी और ख़राब भोजन नहीं खाना चाहिए। गंदा बासी और ख़राब भोजन खाने से हमें क्या हो सकते हैं, रोग हो सकते है, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी नहीं है। क्या ख़राब भोजन, बासी और गंदा भोजन, यदि कोई व्यक्ति दिन में कई बार खाने की आदत डाल लेता है तो उसमें आलस्य बना रहता है। क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति दिन में कई बार खाने की आदत, कोई कोई बच्चों को क्या होती है, दिन में बहुत बार खाने की आदत होती है, तो वो कैसे हो जाते, एकदम आलस्य हो जाते हैं, एकदम आलस्य हो जाते हैं। आलस्य मीन्स एकदम लेजी हो जाते हैं। बार बार खाने से मोटापा आने लगता है, जो कई रोगों को जन्म देता है, मतलब कई रोग हो जाते हैं मोटापे के कारण। भोजन को पकाने और रखने में भी सावधानी रखनी चाहिए। भोजन को तेज़ आंच पर नहीं पकाना चाहिए, इससे भोजन के सारे तत्व जल जाते हैं। यह हमें क्या बात बताई गई है कि भोजन को पकाने और रखने में भी सावधानी रखनी चाहिए। क्या होता है, अगर भोजन को हम तेज़ आंच पर पकाएंगे तो उसमें के जो तत्व है वो क्या हो जाते हैं, सब जल जाते हैं। भोजन साफ बर्तन में ही रखना चाहिए, भोजन हमेशा ढककर रखना चाहिए।
अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य के जीवन में पौष्टिक भोजन का कितना ज़्यादा महत्व है। इसलिए स्वस्थ और निरोग रहने के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन लेना ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर लेसन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसमें हम भोजन के बारे में बताया गया कि कौन से भोजन से हमें क्या मिलता है और कौन सा भोजन हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट्स रखता है।